अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट पे और मेरी पाकिस्तान से जाने का वक्त है। तो पाकिस्तान से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कराची टू अबू धाबी और अबू धाबी से इस्तानबुल। तो इसमें तकरीबन एब्सोल्युटली 4 आवर्स की जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अपनी फ़्लाइट को फ़्लाइट का गेट छोड़कर अब मैं हॉल की तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको दिखाया जाए कि एयरपोर्ट कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ जो मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट पे लगी, फ्री वाईफाई है और वाईफाई की स्पीड भी बहुत अच्छी है। लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी काइंड स्पोकन है। जिससे भी आप मालूम करना चाहें आप आसानी से वो आपको बता सकता है और आपको बड़ा अच्छा गाइड करेंगे यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे लैंग्वेज इशू नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग इंग्लिश भी समझते हैं, अरबिक भी समझते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस समझते हैं। जो जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहें इनके पास ट्रांसलेटर अवेलेबल है और वो आपको समझाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अतराफ लोग बैठे हुए हैं इस वक्त और अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी है। और देर से वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान आया हुआ था, उससे पहले मेरे पेपर्स थे तो मैं उसके अंदर बिज़ी था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें इनके पास लकी ड्रॉ का भी सेटअप है और ये काफ़ी जो है वो ये जो लॉटरी वगैरह जो भी होती है काफ़ी लीगल होती है, इसमें स्कैम का कोई भी चक्कर नहीं। मेरे साथ घूमें और विजिट करें। अच्छा, एयरपोर्ट की सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर है कि ये चीज़ें बहुत मुनासिब प्राइस पर हैं, कोई ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। अमूमन क्या होता है कि एयरपोर्ट पे चीज़ें ज़्यादा महंगी होती, मगर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि दुबई के अंदर हर चीज़ पे जो है वो बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री के ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। और ये फ्लाइट की तरफ का रास्ता है। और जैसा आपको पता है दुबई के परफ्यूम्स दुनिया में सबसे बेस्ट परफ्यूम्स होते हैं। आप आएँ और चेक करें, टेस्टर लगाएं और पसंद करके लें। बहुत बिजी एयरपोर्ट है ये, लोगों का आना जाना इस पर लगा रहता है, मगर उसके बाद भी इन लोगों ने फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी तरफ से बेस्ट जो बेस्ट ये प्रोवाइड कर सकते थे वो इन्होंने जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं ये बोट का शॉप है। मुझे पर्सनली एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा और इस एयरपोर्ट को मैं हाईली रेट करना चाहूँगा।
उम्मीद है आप भी अबू धाबी विज़िट करेंगे और मेरी वीडियो देख के आए आप, तो ये है कि आपको एयरपोर्ट पे बड़ी आसानी होगी हर चीज़ के अंदर। ये देखें पर्स, ये कितना खूबसूरत है। अभी मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से करनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे इन्होंने फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी और टी का सेटअप रखा है, जो काफ़ी बहुत अच्छा है। इस चीज़ में मैं पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी ये टी और कॉफ़ी का सेटअप रखा है, तो अच्छा लगा आके। इस एयरपोर्ट पे आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप कहीं फॉरेन आए हैं। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ की, ख़ास तौर पर मैनेजमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे क्लासेस रखे हुए सारे ब्रांडेड हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। इस वक्त मैं टर्मिनल 1 पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, सोचा कि आपको दिखाएं। ये इनकी कल्चरल थिंग्स हैं। ये देखिए, और यहाँ का बड़ा फेवरेट रेस्टोरेंट है और इस वक्त यहाँ पे बहुत रश भी है। अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट पे सबसे अच्छा सेटअप ये है कि अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलेंगे यहाँ, तो बेहतर ये है कि मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप कार्ड से पे करें और इसमें आपको जो है वो बड़ी सहूलत मिलती है, बेनिफिट मिलता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक्स करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ग्रो करने में आपका किरदार बहुत ज़रूरी है। और मुझे अभी के लिए दें इजाज़त, फिर मिलते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मुझे अभी डिनर भी करना। तो सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।